हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर आधुनिक भारत का जो इतिहास है और ये एसके पांडे के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। तो उनका जो चैप्टर है, चैप्टर के अंत में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका प्रैक्टिस सेशन में हम लोग फिर उपस्थित हैं, ठीक है। और आज हम लोग उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ये दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। इन मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, ये दूसरा चैप्टर है एस के पांडे की बुक से और मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सवाल पूछा जाता है, खास करके इस बुक से बहुत सारा सवाल डायरेक्ट लड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर एक में है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ, यानी औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? बहादुर शाह फर्स्ट। कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट जो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। आपको पता होगा कि मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। उसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? तो अंतिम मुगल शासक का नाम था बहादुर शाह द्वितीय, या इसको हम लोग कहते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में अंग्रेजी व्यापार, यानी कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार से फर्रुखसियर के फरमान से सहूलियत पाई थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पांचवा नंबर का सवाल, लाल कुंवरी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? यानी लाल कुंवरी नामक जो गणिका थी, ठीक है, वो किस मुगल शासक के राजकाज में हस्तक्षेप करती थी, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा जहांदर शाह। और आप ये भी बात जान लीजिए, जहांदर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। जहांदर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर का सवाल देखिएगा, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? यानी तृतीय पानीपत का जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, ठीक है, 1761 ईस्वी में, इसमें जो है उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम था। कौन था? शाह आलम, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर का प्रश्न देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, ठीक है, क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य का दुर्बल हुआ, या फिर अंग्रेज चिंतित हुए, या सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ? तो उपर्युक्त सभी कुछ हुआ। तो इसका सही आंसर है सिख शक्ति का उदय हुआ था, अभ्युदय हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए आठवां नंबर का सवाल, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? यानी सैयद भाई जो है सबसे अधिक प्रभावशाली किसके समय में हुए थे? फर्रुखसियर के समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुए थे कौन? ये सैयद भाई। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर। क्या कहा जाता था? घृणित कायर। उसके बाद देखिएगा नौवां नंबर का सवाल, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? सैयद बंधुओं के दमन में तुरानी गुट। कौन? तुरानी गुट ने, है ना, सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दसवां नंबर का सवाल, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। क्या किया था? साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? यानी औरंगजेब के जो उत्तराधिकारियों में सबसे कम शासनकाल जो था वो जहांदर शाह का था। किसका था? जहांदर शाह। और जहांदर शाह को क्या कहते हैं हम लोग? लंपट मूर्ख, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यतया राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? यानी कि सैयद भाइयों के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, रफी उद दर्जात एवं रफी उद दौला, झांदर शाह एवं अहमद शाह,
और हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, और चौथा है जुल्फिकर अली और अब्दुल्ला। यानी कि ये सैयद बंधु जो था उन लोगों का क्या नाम था, इसका नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां किसका नाम था, ये जो सैयद भाई था, ठीक है, सैयद बंधु था उसका नाम था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित तीन वजीरों का कालक्रम क्या है, यानी कि तीन वजीरों का कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले जावेद खां, उसके बाद सफदरजंग और उसके बाद इमाद उल मुल्क। यानी कि ये इसका जो कालक्रम है वो क्या क्या है, सबसे पहले जावेद खां था, उसके दूसरे नंबर में सफदरजंग था और तीसरे नंबर में इमाद उल मुल्क था, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का सवाल देखिएगा, बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं किया, यानी कि क्या नहीं किया, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिएगा, जजिया का खात्मा नहीं किया, साहू की रिहाई नहीं किया, राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत नहीं किया, सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। तो यानी कौन नहीं किया, तो जजिया का खात्मा नहीं किया था। क्या नहीं किया था, जजिया का खात्मा नहीं किया था। 15 नंबर का सवाल देखिएगा, जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यानी जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मुअज्जम और आजम खां, मुअज्जम और आजम खां के बीच 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध हुआ था। उसके बाद 16 नंबर का देखिए सवाल, जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी, तो जय सिंह को राजा मिर्जा या मिर्जा राजा की पदवी जहांदर शाह ने दिया था। तो जहांदर शाह के बारे में आप जानते ही हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंपट मूर्ख कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर का सवाल, किस शासक का शासनकाल सबसे कम था, यानी कि इसमें रफी उद दर्जात का शासनकाल सबसे कम था। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर का सवाल, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की, रफी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। उसके बाद देखिएगा, सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था, तो सैयद बंधुओं का अंत जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 20वां नंबर का सवाल, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय में जो है यहाँ शासक था कौन था, अहमद शाह था, कौन था, अहमद शाह। उसके बाद 21 नंबर में देखिएगा, अली गौहर किसका नाम था, यानी अली गौहर किसका नाम था, शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, अली गौहर। उसके बाद 22 नंबर का सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, 23 नंबर, मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हुए, तो मुगलों के सिक्के किसके समय में बंद हुए, अकबर द्वितीय के समय में बंद हुए। उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा, करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ था। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी, तो इसका सही आंसर होगा विलियम अरविन के समय में मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है, ये सर यदुनाथ की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, सर यदुनाथ की पुस्तक है, कौन, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद देखिए 27 नंबर का सवाल, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही होगा आंसर अयोग्य उत्तराधिकारी, ठीक है। 28 नंबर सवाल देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही आंसर होगा धन को लूटना, यानी अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था, धन को लूटना। उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था, तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ,
20 मार्च 1739 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद देखिए नादिर शाह के 30 नंबर का सवाल और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था खाने दौरान, यानी खाने दौरान नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था, ठीक है। तो आज ये दूसरा चैप्टर में मात्र 30 सवाल हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आप लोग लगातार बने रहिएगा, फिर इसके बाद हम तीसरे चैप्टर को लेकर के आएंगे और इस तरह से हम लोग सभी चैप्टर को कर लेंगे और निश्चित रूप से इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत पूछता है, यानी कि लगभग हिस्ट्री का यदि सवाल देखेगा तो लगभग 30 से 35 सवाल रहता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का अकेले लगभग 10 सवाल तो रहता ही है, ठीक है। इसलिए आप इस 10 सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं इसका अध्ययन करके, ठीक है। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और निश्चित रूप से जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे, ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।